सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका AIR 10 आया। बिकॉज कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि AIR से हमें गाइडेंस मिले। तो ये सांगली से अहमदाबाद की कोई कहानी है क्या? कुछ कुछ अगर कुछ बताना चाहो तो क्या है ऐसा? अहमदाबाद ही क्यों? मैं ना इसको रिकॉर्डिंग से हटा दूंगा। मैं नहीं चाह रहा हूं कि बच्चे इसको सुने। बहुत कम समय आपके पास मिला बिकॉज ऑफ द आर्टिकलशिप इशूज, आपके ट्रांसफर इशूज थे, तो आपने उस कम समय को भी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ AIR 10 साथ में है, AIR 10 CA फाइनल श्रेया ठक्कर। श्रेया, एम आई राइट? यस सर। ओके, सो श्रेया ठक्कर AIR 10 इन CA फाइनल, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है एंड आई एम फीलिंग प्राउड कि आज श्रेया मेरे साथ हैं। और रिजल्ट को आते हुए लगभग 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, बट थोड़ा सा लेट हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ है। कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम मैं बिजी था, कभी श्रेया बहुत ज्यादा बिजी है, सो चीजें मैच नहीं हो पाई, तो ये इंटरव्यू थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सुनिएगा जरूर। इसमें स्पेशली श्रेया की जो फिसिए फाइनल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जब मैं उनसे सुन रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कैसे उन्होंने सीए फाइनल की प्रिपरेशन की बहुत ही कम समय में। ये सुनना बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए श्रेया, वेलकम टू द शो, और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका AIR 10 आया। क्या कहना चाहते हो इस पे? थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली लेक्चर्स वगैरह जो लिए थे सर, टीचर्स की गाइडेंस, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, और हो गया, अच्छा लग रहा है। ओके, सो सबसे पहले सवाल कि AIR आया तो ये पहले से ही आपके माइंड में था कि हाँ AIR आ जाएगा, या फिर माइंड में AIR वाली कोई चीज नहीं थी? AIR वाली कोई चीज नहीं थी, सिर्फ इतना अंदर से लग रहा था कि सब पेपर्स निकल जाएंगे, बिकॉज पेपर्स अच्छे गए थे। पेपर अच्छे गए थे? अच्छे गए। ओके, कोई ऐसा पेपर जो आपको लग रहा था कि यार ये वाला पेपर मेरा ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, इसमें मेरे को बस थोड़ा रिजल्ट के टाइम में देखना है कि क्या होता है, ऐसा कोई एग्जाम? ऐसा कोई था नहीं, बट IDT का थोड़ा डर था। IDT का डर था कि उसमें नंबर थोड़े कम आ सकते हैं। हाँ, टफ अच्छा, पेपर टफ आया था ये IDT का? इन द सेंस, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए थे। ओके ओके, चलिए। मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि श्रेया ने CA फाउंडेशन में भी ऑल इंडिया रैंक लिया था, AIR 15 ऑल इंडिया रैंक आया था श्रेया का। फिर इंटरमीडिएट में रैंक नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, सो कोविड के कारण श्रेया को सिंगल सिंगल ग्रुप देना पड़ा। अब आप देखिए कि मतलब लोगों के साथ बहुत सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं, जैसे हम सभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो श्रेया के साथ भी ऐसे इश्यूज आते हैं। श्रेया थोड़ा सा उसके बारे में बताना, तो कोविड सिचुएशन में क्या, इंटरमीडिएट वगैरह को लेकर। मतलब तभी जिस मैंने लेक्चर्स जो लिए थे, उधर टीचर्स को भी थोड़ा कोविड का इश्यू हो गए थे, लाइक सम वे डाउन विथ कोविड, और लेक्चर्स डिले हो रहे थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि अभी एक ग्रुप एंड नेक्स्ट अनदर ग्रुप दे देंगे, क्योंकि अटेम्प्ट स्किप नहीं करना था। ओके, तो आपने एक एक ग्रुप करके दिया कोविड के टाइम पर, है हाँ ना, एक एक ग्रुप करके दिया। तो उसमें आपके कुछ एग्जम्पशंस वगैरह आए, उसके मार्क्स वगैरह कैसे थे? बहुत सब पेपर्स में एग्जम्पशन थे एक्सेप्ट बढ़िया, ऑडिट, सब में एग्जम्पशन थे। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर उसके बाद, अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो श्रेया? एक्चुअली होम टाउन सांगली है, महाराष्ट्र, अहमदाबाद। सांगली, महाराष्ट्र। और आपकी आर्टिकलशिप कहाँ चल रही है? अहमदाबाद। तो ये सांगली से अहमदाबाद की कोई कहानी है क्या? कुछ कुछ अगर कुछ बताना चाहो तो क्या है ऐसा? अहमदाबाद ही क्यों? कहानी ऐसा कोई नहीं है, लाइक आर्टिकलशिप के लिए बिग सिटी जाना था, तो ऑप्शन में मुंबई या अहमदाबाद थे। देन हाँ एवरीवन वाज लाइक अहमदाबाद इज बेटर, यू कैन गो अच्छा, देयर। ओके, अहमदाबाद इज बेटर, तो इसलिए आप अहमदाबाद चले गए। कैसा एक्सपीरियंस है अभी आपका आर्टिकलशिप का? लाइक आई थिंक अभी आर्टिकलशिप के कुछ लास्ट डेज आपके चल रहे होंगे, अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब सीखने बहुत मिला, लाइक सीखने को बहुत मिला। इनकम टैक्स ऑडिट यू गेट टू सी, लाइक बोर नहीं हो रहे थे आप, कभी तो ओके हो जाता है, बट सीखने आपको मिलता है अच्छे से। ओके ओके, अब मुझे अपना एक ना सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं चाह रहा हूं कि सब लोग सुने बहुत अच्छे से। श्रेया, आफ्टर पासिंग सीए इंटरमीडिएट, हर बच्चे को लगभग 2 ढाई साल 3 साल मिलते हैं टाइम अपने पास रहता है, ठीक है? आपको भी मिला होगा लगभग वही 2.5 से 3 साल आपको टाइम मिला होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सीए इंटर पास होने के बाद, क्योंकि हमें आर्टिकलशिप ढूंढना होता है, और बच्चों के मन में 2 चीजें चल रही होती हैं कि यार एक तो आर्टिकलशिप ढूंढ लूं और फिर क्लासेस शुरू करूं टाइम पे, तो मुझे ये बताओ सीए इंटर पास करने के बाद आपने क्लासेस कब से स्टार्ट की? मतलब मैं पूछना चाहता हूं,
6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, कितने टाइम बाद आपने क्लासेस स्टार्ट की? 1 ईयर के बाद, लाइक 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 4 मंथ्स के बाद ही मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी. मतलब ओके okay. नवंबर 22 में आई परचेस फर्स्ट क्लास ऑफ एफएस, बट जो एक्चुअल देखना स्टार्ट किया था वो जनवरी 23 से हुआ था, लाइक जो पेस बैठा था. अच्छा, 1 सेकेंड वेट. आप बोल रहे हो कि एक तो आपने 1 साल 3 4 महीने के बाद पढ़ाई शुरू की. सो क्या आप ये रिकमेंड करोगे सबको कि 1 साल 3 साल 1 साल या बाद या ऐसा पढ़ाई हो, कि आपका रिकमेंडेशन क्या है, पढ़ाई कब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए? रिकमेंडेशन मेरा है कि आफ्टर 6 7 मंथ्स आप स्टार्ट कर सकते हो, बट ओके मेरे केस में थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज वो ट्रांसफर केस वगैरह कुछ था. बट 6 7 मंथ्स के बाद यू शुड स्टार्ट विद लेक्चर्स, नहीं तो फिर एंड में बहुत गड़बड़ होती है. एंड में गड़बड़ होती है, जो आपने थोड़ा बहुत फील किया होगा. ओके. अब आप बोल रहे हो कि सबसे पहले आपने एफआर लिया, ठीक है, आपने एफआर लिया नवंबर 22 में लिया, पर आपने एक्चुअल देखना शुरू किया जनवरी 23 में. अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जनवरी 23 में आपने देखना शुरू किया, मई 24 आपका ये अटेम्प्ट आया, मतलब लॉजिकली आपके पास 1 साल 4 5 महीने का टाइम है. अब आपने 1 साल 4 5 महीने में कैसे आपने 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए श्रेया, इसके बारे में थोड़ा बताओ यार. मतलब ऑफिस से लीव 7 मंथ्स की मिल गई थी, सॉरी कितने मंथ्स की? लीव 7 मंथ्स की, 7 मंथ्स की मिल गई थी, ठीक है. अक्टूबर से लीव थी. तो मैंने ऑफिस के साथ लेक्चर्स लिए थे, एफआर देख रही थी मैं, एंड साथ में ऑडिट एंड डीटी की लाइव बैचेस आ रही थी. आई वाज लाइक लाइव लेंगे तो अच्छे से हो पाएगा बिकॉज हम मॉर्निंग टीचर्स के सामने बैठ सकेंगे और पढ़ाई भी टाइम होगी, टाइम पे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लाइव रहेगा तो. लाइव रहेगा. राइट. और हाँ कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता, क्योंकि हम पे रहता है तो वी आर लाइक समडे आज नहीं करना कल कर लेंगे वैसे. हाँ 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 तो FR में ऐसा कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ क्या? एफआर में नहीं हुआ, मतलब हाँ आई लाइक अकाउंट्स, पहले से मेरे को अकाउंट्स पसंद था इसलिए एफआर करने में मेरे को मजा आता था. तो FR आपने जैसे जनवरी 23 में स्टार्ट किया, तो कब तक कंप्लीट हुआ? कंप्लीट सितंबर में हुआ था बट बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया था, सितंबर तक कंप्लीट हो गया था. अच्छा, तो जनवरी से आपने FR शुरू किया, सितंबर पे जाके कंप्लीट हुआ, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख रहे थे. और इस बीच आपको बीच में छुट्टी वगैरह भी मिल गई थी, तो आपने इस बीच में DT और कुछ कुछ करना शुरू किया था, मतलब आपने बाकी सब्जेक्ट्स लगाए. सितंबर के बाद छुट्टी मिली थी, सितंबर तक आई वाज वर्किंग. तो जनवरी 23 से सितंबर तक आप FR ही कर रहे थे बस? नहीं ऐसा नहीं, ऑडिट और डीटी स्टार्ट किया था लाइव मॉर्निंग, इट हाँ, वाज ऑडिट और डीटी एंड एट नाइट इट वाज एफआर. तो मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट्स कैसे साथ में रहे? दो सब्जेक्ट साथ में नहीं थे, कैसे थे, लाइव बैच मैंने ली थी तो जब जुलाई जो जून में ली थी तो जून जुलाई ऑडिट चल रहा था, जुलाई के बाद डीटी चालू हुआ अक्टूबर. अच्छा, सो यार मतलब मुझे तो बहुत ही सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पहली बात तो आपके पास 1 साल 4 महीने का क्या टाइम, आपने टाइम लिया पूरे 6 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में. उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि आपने जनवरी 23 में आपने एक्चुअल FR की पढ़ाई शुरू की, और आपने मई जून तक सिर्फ FR बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता रहा, फिर आपने एक्चुअली जून जुलाई से फिर ऑडिट और DT ऐसे शुरू किया, है ना? यही हुआ ना मतलब? ठीक है. और हाँ सेप्टेम्बर के बाद आपने फिर यही स्पीड हो रहा है. सितंबर के बाद आपने स्पीड पकड़ना शुरू की, IDT हुआ, AFM हुआ, ये सब आपने बाद में किए. यस, मतलब दिसंबर तक मेरे को क्लासेस कंप्लीट करने थे सब ओके, सब्जेक्ट्स के, तो तो कब हो तक गया था कंप्लीट हो पाया बेसिकली आपके? दिसंबर तक हो गए, दिसंबर में हो गए थे, दिसंबर 23 वाज डन. मतलब पूरे 1 साल में आपने 5 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया. IBS अगर अपन हटा भी दें तो 5 सब्जेक्ट्स को आपने कंप्लीट कर दिया पूरे 1 साल में. वाओ, बहुत बढ़िया, जो कि बहुत कम बच्चों से ये चीजें हो पाती हैं. सो आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली, फिर दिसंबर में आपका हो गया, अब आप जनवरी 24 से आपने अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, रिवीजन वगैरह शुरू किया. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम थे, ठीक है. एक्सपेक्ट किया था कि मई के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, पोस्टपोन को लेकर ध्यान में कुछ चीजें रखी थी कि पोस्टपोन हो गए तो मैं और ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कि ऐसा कुछ नहीं था? वैसा कुछ नहीं रखा था बिकॉज मेरे को पता है आई एम रनिंग लिटिल लेट, तो मैंने ऐसे ही सोचा था फर्स्ट में यू हैव योर एग्जाम तो आपको 30 अप्रैल तक प्रिपेयर होना है विद ऑल सब्जेक्ट्स अच्छा, सो 4 महीने में बिकॉज कितने रिविजन्स किए? फर्स्ट रीडिंग एक बार रिवीजन और जो टॉपिक्स मेरे को हार्ड लगते थे उसका एक दो बार और रिवीजन कर लिया था. अच्छा, ओके. सो नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस? आपने की थी राइटिंग प्रैक्टिस जब फर्स्ट रीड करते हो आप लोग, जैसे क्लासेस के दौरान? तो ठीक है, जितना जितना क्लासेस होता जा रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं. तो मेरे इसमें 2 सवाल है. क्लासेस के बाद जो भी होमवर्क हुआ करता था
उसको करते थे कि नहीं करते थे, और दूसरा फर्स्ट रीड के टाइम पर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस की कि नहीं करते थे? करती थी मैं एक्चुअली क्लासेस में जो आप नोट्स लिखाए थे या बाकी सब टीचर्स लिखा रहे थे वो भी लिखती थी, क्लासेस में जो क्वेश्चन सॉल्व होते थे वो भी साथ में करती थी, एंड होमवर्क वाले भी कर लेती थी कभी तो रह जाता था, बट राइटिंग प्रैक्टिस तभी की थी क्योंकि एंड में राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता इसलिए। एंड फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे ऐसा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो एटलीस्ट सब लिख के सॉल्व करने ही है, वो सब लिख के सॉल्व करने हैं फिर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपने लिख के थोड़ा सा सॉल्व किया लिख था? के सॉल्व किया था, ओके ओके। आइदर एंड स्क्रिबल कर दिया या तो फिर प्रॉपरली लिखा, बट लिखना चाहिए। मतलब कुछ कुछ स्क्रिबल कर लिया, कुछ आपने प्रॉपरली फॉर्मेट में लिखा ताकि एक ये होना चाहिए। ओके। एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट, आपने कुछ टेस्ट वगैरह प्रिपेयर किए थे, टेस्ट दिए थे? तो नहीं एक भी टेस्ट नहीं दिए थे। अच्छा मैं ना इसको रिकॉर्डिंग से हटा दूंगा मैं नहीं चाह रहा हूं कि बच्चे इसको सुने मतलब ना ये बहुत ज्यादा अलग ले लेंगे हटा देना, मतलब मेरे पास टेस्ट के लिए टाइम नहीं बचा था इसलिए मैंने बोला टेस्ट नहीं देने, बट जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो एज अ हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट की अलग अलग कहानी होती है। जैसे आपकी कहानी बिल्कुल मुझे अलग लग रही है। लास्ट टाइम मेरी AIR 3 से बात हुई थी तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी, तो आपकी कहानी मुझे ना थोड़ी अलग इंटरेस्टिंग लग रही है कि मतलब आपने बहुत कम समय आपके पास मिला बिकॉज ऑफ द आर्टिकलशिप इशूज, आपके ट्रांसफर इशूज थे, तो आपने उस कम समय को भी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और आपने प्रॉपर डिसिप्लिन में 1 साल में आपने 5 क्लासेस खत्म की। ये बहुत बड़ा एक्चुअली अचीवमेंट हुआ, मतलब अचीवमेंट तो AIR 10 तो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट है कि आपने 1 साल में आपने 5 क्लासेस कंप्लीट किए हैं। FR जैसे हैवी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत स्लो भी हुआ, उसके बाद भी आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। ऑफकोर्स टाइम नहीं मिला टेस्ट का, कोई बात नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जो हम हमेशा कहते हैं कि लोगों की AIR क्यों आती है, जो लोगों की AIR आती है, जो लोग दोनों ग्रुप में एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं दोनों ग्रुप, शायद वो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करते हैं और वो होता है डिसिप्लिन। क्या कहना चाहते हो उस पे? एक्चुअली डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको लगता है हमारे फ्रेंड्स सब घूम रहे हैं, दे आर ऑल एंजॉयिंग, बट हमें पता है कि अगर 1 साल अच्छे से पढ़ाई की तो आगे यू हैव द टाइम फॉर द अदर थिंग। टाइम फॉर द अदर एंड एंजॉयमेंट आपको अपने आप मिल जाएगा। सो, आपका कहना है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन। तो वो जो डिटर्मिनेशन है, बस वही है कि आपने 12 महीने में 5 सब्जेक्ट्स खत्म किए, कोई टेस्ट देने की आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई थी। हर टेस्ट में तो यही होता है कि हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। अब वो होता है कि अपने खुद के कितने आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया होगा। श्रेया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि डिटर्मिनेशन वगैरह होना चाहिए और किस तरीके से होगा। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब अब आपकी आर्टिकलशिप खत्म होने वाली होगी, सो वॉट आफ्टर दैट, आपने क्या सोचा है? अभी तो जॉब के लिए सोचा है कंसल्टेंसी या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन, कुछ ऐसे डिसाइड नहीं है, प्लेसमेंट में भी ट्राई करूंगी, कोई ओके ओके प्लान ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, मैं भी देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हूँ। अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो? ओके पर आपको मेजरली अभी फिलहाल जॉब की तरफ आपको दिख रहा है कि मैं जॉब की तरफ जाऊंगी? ओके सो अभी प्लेसमेंट्स और ये सब चीजें अभी क्या अभी चल रहा है, अभी कुछ आपने अप्लाई वगैरह किया है? अभी तक कुछ अप्लाई नहीं किया है, मैं देख रही हूँ सिर्फ। अच्छा, ओके ग्रेट। तो चलिए आपके साथ ना कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा अब एज अ रैपिड फायर, चलेगा? चलिए, तो आपके साथ कुछ रैपिड फायर सवाल पूछूंगा, तो बताइएगा कि वो कैसे उसका ना क्विक जवाब देना है आपको। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और उसका क्विक जवाब देना है आपको, चलेगा? ओके ओके तो चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें? ठीक है। यस सो श्रेया, फर्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, FR और DT? ऐसा FR। मैं बैठा हूं सामने इसलिए मुझे खुश करने के लिए नहीं, मेरे को पहले से अकाउंट्स पसंद है फ्रॉम 11th इटसेल्फ इसलिए ऐसा। ओके FR, गुड। अच्छा, जॉब और प्रैक्टिस, मैं ये लाइफ टाइम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। अभी तो आपने बोला जॉब अभी कुछ टाइम के लिए, बट आगे के लिए मतलब लाइफ टाइम के लिए, जॉब और प्रैक्टिस और समथिंग एल्स, समथिंग एल्स समथिंग एल्स। अच्छा, क्या समथिंग एल्स कुछ माइंड में चल रहा है?
फ्रीलांसिंग जैसा कुछ चल रहा है, बट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, बिकॉज अभी तक इट्स कुछ डिफिकल्ट, एट प्रेजेंट. ओके आगे ओके हाँ आगे उसके लिए पाथ मिल जाएगा. ओके ओके वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आगे चल के आप अपना लाइफ पार्टनर कैसा देखना चाहते हो, सीए नॉन सीए? लाइक सीए, वाई सीए? मतलब समझ सके, लाइक काम भी है, घर, एवरीथिंग इज देयर, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी. अंडरस्टैंडिंग सीए होगा तो प्रॉपर होगी, सीए नहीं होगा तो प्रॉपर नहीं होगी, परेशान करेगा। समझाना बहुत पड़ेगा, हाँ, समझाना बहुत पड़ेगा. समझाना बहुत पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। सही है, लास्ट क्वेश्चन। रिकॉर्डेड क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस? लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस। व्हाई लाइव क्लासेस? डिसिप्लिन आता है एंड क्लासेस टाइम पे खत्म होते हैं, देयर इज नो प्रोक्रेस्टिनेशन इन क्लासेस. लोग तो बोलते हैं रिकॉर्डेड अपनी पेस पे कर सकते हैं, रिकॉर्डेड हम टाइम पे कंप्लीट, जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे लोग स्पीड पे खेल लेते हैं, बट कंसेप्ट वाइज लाइव इज बेटर. कंसेप्ट वाइज लाइव इज बेटर, वो तो बहुत बस बेटर. जो रिकॉर्डेड होता है बहुत सारे लोग इसको स्पीड में खेल के खत्म कर लेते हैं बस, है ना। तो मुझे इससे एक चीज याद आई कि रिकॉर्डेड क्लासेस लोग स्पीड में खेल लेते हैं तो लोग क्लासेस को फिनिश करते हैं, कंप्लीट नहीं करते। हाँ, एम आई राइट? फिनिश करते, जैसे फिनिश और कंप्लीशन में फर्क है. फिनिश इज लाइक यू कंप्लीट कुछ भी हो गया, कंप्लीशन में कंसेप्ट वाइज सब कुछ कंप्लीट होता है. करेक्ट, इसलिए मैंने बोला कि बस वो फिनिश करना हो गया, और कंप्लीशन में कम से कम आप कॉन्सेप्चुअली आप चल रहे हो तो आपका फर्स्ट रीड बहुत स्मूथ होगा जब आप फर्स्ट रीड करोगे तो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चीजें मुझे समझ में आ रहा है श्रेया, आपका डेडिकेशन बहुत प्यारा डेडिकेशन रहा, और FR में आपके 79 मार्क्स आए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, FR की जर्नी आपको आपकी कैसी रही मेरे साथ? मतलब मैं कोई ऐसे तारीफ वारीफ नहीं पूछ रहा हूँ आपकी, बट अपनी वाली तारीफ नहीं करवाना चाह रहा हूँ, बट हाउ वॉज योर FR लेक्चर्स जर्नी और कैसा क्या रहा? बिकॉज उससे आप बोलो उससे पहले मैं बोल दूँ, श्रेया की एक बात मैं आपको बता दूँ, श्रेया ने मुझसे सिर्फ एक बार डाउट पूछा था, कोई IND AS 36 पर डाउट था, व्हाट्सएप पे डाउट किया था। और मैं आपको ना ये रैंकर्स के ना कुछ ट्रेट्स बताने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रैंकर्स के ट्रेट क्या है, मैंने ये ध्यान दिया अभी, ऑब्जर्व किया, लास्ट टाइम भी ऑब्जर्व किया था, श्रेया का सिर्फ एक मैसेज रखा था IND AS 36 के ऊपर, कोई डाउट उन्होंने पूछा था, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं वो डाउट का रिप्लाई नहीं कर पाया था उनको। उसके बाद श्रेया ने आज तक, मतलब एग्जाम तक, उन्होंने एक बार भी डाउट नहीं पूछा। ठीक है, ऐसा नहीं कि श्रेया मुझसे नाराज हो गई या कुछ, बट उनको ऐसा, वो अभी बताएगी, वो खुद से बताएगी, श्रेया को ऐसा कुछ ज्यादा खास डाउट आए नहीं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा हुआ करता था FR का, और आप शायद FR के उस बैच से हो जिसमें रजत था, आपने वो रजत वाले हाँ, लेक्चर्स वो लिए थे, क्योंकि रजत टाइम में रजत बहुत वाले लेक्चर्स फेमस हो गया था, रजत रजत करके। हाँ, थे, वही था, रजत वाले राइट, लेक्चर्स थे. रजत वाले लेक्चर्स थे। तो मुझे शायद याद नहीं है कि टेलीग्राम पे श्रेया ने कभी उस ग्रुप पे कोई डाउट ऐसा पूछा हो, शायद नहीं पूछा। श्रेया का मेरे साथ ज्यादा ज्यादा कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं, एंड जब AIR मुझे पता चला कि श्रेया का AIR आया है, तो मुझे तो पता चला कि कोई श्रेया ठक्कर करके मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने सबसे पहले चैट देखा कि व्हाट्सएप पे कभी उन्होंने कोई डाउट पूछा है क्या, कोई बात हुई है क्या हमारी, तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ये मेरी स्टूडेंट हो सकती है, क्योंकि चैट तो दिख रहा है, मैंने रिप्लाई उनको किया नहीं है। मेरा सवाल, मेरा बस पॉइंट यही है कि FR की जर्नी आपकी कैसी रही ओवरऑल? एफआर की जर्नी मतलब ओवरऑल, उसमें एक्चुअली मेजरली मेरे लेक्चर्स बहुत डिले हो रहे थे, बट कंसेप्ट वाइज आई वाज लाइक अच्छे से देखने हैं, भगाना नहीं है, क्योंकि एंड में जब आप रिवाइज करते हो, एफआर इज वेरी बल्की, तो फर्स्ट टाइम अगर उसको परफेक्ट किया तो एंड में जो माइनर पॉइंट्स है उतना ही याद रखना चाहिए, और राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी होनी चाहिए. ओके ओके FR अच्छे से हो गया, ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं गई ना, मतलब लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई? लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर्स वेर गुड, इसीलिए कुछ डाउट नहीं आ रहे थे, जब लेक्चर्स अच्छा में सब कुछ क्लियर हो रहा था. अच्छा अच्छा ओके श्रेया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आपका, आपसे जो हमारा ये कॉन्वर्जेशन हुआ है, लोग सुने और अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग उस चीज को पॉजिटिवली लेके प्रिपेयर करें, बिकॉज कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि AIR से हमें गाइडेंस मिले किसी भी तरीके से, तो ये वीडियो बस इसी पर्पज से है, रिकॉर्ड किया गया ताकि अगर कुछ स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं AIR से, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से गाइडेंस मिले।
होपफुली हम आगे चल के जब अपना फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखेंगे, वी स्मार्ट रखेगा, तो आपको हम इनवाइट करेंगे और आपको पर्सनली इनवाइट करेंगे। आपको पुणे आना पड़ेगा और हमसे हमें आप आपसे मिलने को मौका मिलेगा। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू दैट टाइम। एंड आपको कभी भी आगे चल के कुछ और भी कुछ ऐसा कुछ भी अगर हेल्प लगे तो आई विल बी ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच सर, एंड इट विल बी ग्रेट मीटिंग यू. आज भी अच्छा लगा, लाइक फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन वाज वेरी राइट गुड. राइट, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और श्रेया, बस मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आई होप कि जो भी आपने सोचा हुआ है उससे बेटर करो आप, और आप एक ऐसे पोजीशन पे रहो कि समडे जब मैं किसी को बोलूं कि किसी से मेरी बात हो तो मैं बोलूं कि श्रेया देखो ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मतलब मैं ऐसा प्राउड से कह सकूंगा। अभी भी मैं प्राउड से कह कहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें करो, अचीवमेंट्स लो, ताकि हमें और प्राउड हो सके, और साथ साथ आपके फैमिली को भी, इंटायर फैमिली को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं फिर बहुत जल्द, पुणे में मिलेंगे फेलिसिटेशन में। थैंक यस फॉर श्योर. थैंक यू, यू सो मच, बाय बाय। बाय.